हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हेरोंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे किसी भी ट्रायंगल के अगर तीनों साइड गिवन हो तो उसको यूज करके आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एंड तक बने रहिए विद योर ऑनलाइन ट्यूटर मारुति नंदन झा फ्रॉम मॉडुलस। देखो हेरोंस फार्मूला कहां पर यूज होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। हेरोंस फार्मूला आपका जब भी यूज हो सकता है जब आपके पास एक ट्राइंगल हो और उसकी तीनों साइड गिवन हो, ए बी और सी। तीनों साइड को हम ए बी सी अगर मान लें तो तीनों साइड ए बी सी हो गई। अब इसमें आपको हेरोंस फार्मूला यूज करना है। देखो हेरोंस फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एस निकालना पड़ता है। यहां पर जो S है इस S को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। इस S को हम बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, ठीक है। S की वैल्यू आपकी होती है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। S की वैल्यू आपकी होती है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, मतलब जो भी तीनों साइड आपको गिवन है वही तीनों साइड का सम डिवाइड में 2। क्लियर? तो ये S की आपकी वैल्यू रहेगी। इसके बाद हम एरिया निकाल सकते हैं किसी भी ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इसका फॉर्मूला होता है S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। तो ऐसे आप यहां पर आपकी S की वैल्यू जो आएगी वो रहेगी, फिर S माइनस ए, ए की वैल्यू जो रहेगी, S माइनस बी, बी की और सी की वैल्यू। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको किसी भी ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा अगर उसकी तीनों साइड गिवन है तो। तो इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं हेरोंस फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को, ये जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है ट्राइंगल का, इसी फॉर्मूले को हम बोलते हैं हेरोंस फॉर्मूला। क्लियर? तो हेरोंस फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर? अब ये फॉर्मूला, फॉर्मूले को यूज कैसे करना है वो देखो। मान लो आपके पास कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल की मैं तीनों साइड ले लेता हूँ 3, 4 और 5, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी दिया हो सकता है पेपर में। हमने यहाँ पर 3, 4 और 5 ले लिया। अब 3, 4 और 5 है तो देखो तीन वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू को मैं ए मान लूंगा, एक वैल्यू को बी मान लूंगा और एक वैल्यू को सी मान लूंगा। अब आप ए जरूरी नहीं इसी को मान सकते हो, इसको भी ए मान सकते हो, इसको भी ए मान सकते हो, किसी को भी मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद हम एस कैलकुलेट करेंगे ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तीनों का सम करना है जो भी आपको तीनों साइड दी हुई है 3, 4, 5, तो 3 और 4, 7 और 5, 12। 12 का हाफ करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा, मतलब एस की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6। अब आपको एरिया निकालने बोला जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला अभी हमने देखा कि होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और S माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है। अब यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है। S की जगह पे आप क्या लिखोगे भाई, 6 आया था तो S की जगह पर 6 लिख दिया, फिर ब्रैकेट लगाया S माइनस ए, तो 6 माइनस ए, ए कितना लिया था हमने 3, तो 6 माइनस 3 आ गया, फिर S माइनस बी तो 6 माइनस 4, फिर S माइनस सी तो 6 माइनस 5। हर जगह पर जो उसकी वैल्यू है वो हमने पुट करती चलिए, 6 एस की जगह 6, 3 ए की जगह और बी की जगह 4, सी की जगह 5, वैल्यूज पुट कर दी। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो 6 को ऐसे ही रहने दो, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। हमेशा ब्रैकेट की वैल्यू पहले सॉल्व करनी है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 6 3 जा 18, 2 जा 36, ये 36 हमारे पास वैल्यू है। अब आपको देखना 36 किसका स्क्वायर रूट है, 36 यहां पर किसका स्क्वायर रूट है 6 का, तो इसका मतलब हमारा एरिया क्या आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। तो सिंपल सा मेथड है, इससे आप एरिया निकाल सकते हो। अगर आपका कई बार यहां पर फैक्टर नहीं बनता, फॉर एग्जांपल मेरा रूट 48 आ जाता, तो रूट 48 का मैं फैक्टर लिख लेता, 2 आ जाता, फिर 2 आ जाता, फिर 2 आ जाता, 2 जा 4, 4 जा 8, 8 जा 16, 16 3 जा 48, ये पेयर बन जाते, ये मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स बन जाते। फिर हम इसके पेयर बना के इनको बाहर लिख लेते हैं रूट से, जैसे इसका पेयर बना तो ये बाहर आ गया, इसका पेयर बना तो यहाँ से ए की वैल्यू बाहर आती है, 3 का पेयर नहीं बना तो 3 को रूट में लिख देंगे तो 4√3 आ जाता, तो यही हमारा आंसर हो जाता।
पर क्योंकि यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर का आपका सिंपल सा आंसर आएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट में आंसर आएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले से आपके पास अगर कोई भी वैल्यू दी हो, ट्राइंगल के अगर तीन साइड दी हो, तो आप हेरन्स फॉर्मूला यूज करके उसका एरिया निकाल सकते हैं। और एक एरिया का फॉर्मूला आपका ट्राइंगल का लगता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो जब लगता है जब आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल गिवन हो या फिर कोई ट्राइंगल उसकी बेस और हाइट गिवन हो। तो ये फॉर्मूला आप जब भी लगा सकते हो जब आपके पास तीनों साइड गिवन हो या पैरिमीटर गिवन हो और दो साइड गिवन हो। इस क्वेश्चन को करोगे आप, और मैं होप करता हूँ ऐसा कि सबको समझ आया होगा इस चीज में, मतलब इस क्लास में आपको जो भी चीज समझ नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में करके पूछो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।